नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोल हैंडलिंग प्लांट। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने थर्मल पावर स्टेशन का वर्किंग के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने बेसिकली तीन साइकिल के बारे में डिस्कस किया था। द फर्स्ट वन इज द वाटर साइकिल, द सेकेंड इज द करंट साइकिल एंड द थर्ड इज ऐश साइकिल और यू कैन से द कोल साइकिल। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कोल हैंडलिंग प्लांट है वो थर्मल पावर स्टेशन में कैसे वर्क करता है। तो हम कोल डिलीवरी से लेकर फर्नेस फायरिंग तक पूरा डिस्कशन है वो आज के लेक्चर में करेंगे कि भाई ईच एंड एवरी स्टेप पर हम कोल के साथ क्या करते हैं। ठीक है, सो इफ़ यू फॉलोइंग माय चैनल, इफ़ यू फॉलोइंग माय वीडियो, प्लीज़ फील फ्री टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ डिलीवरी ऑफ कोयल, बिकॉज कोल इज ब्रॉट फ्रॉम द कोयल माइंस और वहाँ पर माइंस से लेके हम हमारा जो थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा। तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम यूज़ करते हैं आइदर वी कैन यूज़ द रेल और रोड और ships। सो ships की मदद से भी ला सकते हैं, रेल की मदद से भी ला सकते हैं और रोड ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम बात करें 90% ऑफ टाइम वी आर डूइंग रेल ट्रांसपोर्टेशन। ओके, सो आप देखेंगे कि कोई भी हमारा थर्मल पावर स्टेशन रहेगा उसके पास से कोई रेलवे ट्रैक्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सो 90% ऑफ टाइम वी आर यूजिंग रेल एज ए ट्रांसपोर्टेशन इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ कोयल। तो एक बार हमारा जो माइंस से लेके हमारा जो थर्मल पावर स्टेशन रहता है वहाँ पर हम कोल की डिलीवरी कर देते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू अनलोड ऑफ दैट कोल एट द साइट। उसको अनलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो भारी मात्रा में हमारे पास कोल है, उसको अनलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम मैन वर्क के बारे में कंसिडर करें तो मैन वर्क वहाँ पर काम नहीं करेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज सर्टेन टेक्निक्स। सो दीज आर फॉर दिस पर्पज वी आर यूजिंग कोल शेकर्स और द एक्सेलरेटर्स, एंड सेकेंड इज द वैगन ट्रिपलर्स एंड थर्ड इज द ग्रैब बकेट्स and majority of time we are using wagon triplers. So here in the figure you are going to see the wagon triplers. Okay, here you can see that the here हमारी जो train है वो आती होगी, तो हम क्या करेंगे wagon tripler की मदद से ये पूरा जो हमारा wagon है उसको पलटा कर उसमें से जो coal है उसको हम नीचे रहे storage में डाल देंगे। ठीक है, तो यही करेगा हमारा wagon tripler। तो सबसे पहले उसको आइसोलेट करना पड़ेगा, आइसोलेट करने के बाद उसको हम वैगन ट्रिपलर में फिट कर देंगे, ये उसको पलटाएगा और ये जो हमारा कोल होगा वो नीचे स्टोरेज में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम वैगन ट्रिपलर्स की मदद से उसको अनलोड करते हैं। द सेकेंड इज ग्रैब बकेट्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर कोई शिप्स से हम कोल लाते हैं तो यहाँ पर ग्रैब बकेट्स की मदद से हम उसको क्या करते हैं, उसको भर लेते हैं और उसको सही जगह पर उसका स्टोरेज कर देते हैं। एक बार अनलोडेड हो गया कोल, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको डेड स्टोरेज में हमें अनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्टोरेज नहीं कर सकते, यहाँ से उसको फिर से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एट डेड स्टोरेज, जहाँ पर भारी मात्रा में हम कोल को सेव कर सकते हैं और हमारी जब ज़रूरत हो वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डेड स्टोरेज के बाद में आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। ठीक है, सो कौन कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो कन्वेयर बेल्ट का यूज़ करते हैं, देन स्क्रू कन्वेयर्स का यूज़ करते हैं, बकेट एलिवेटर्स का यूज़ कर सकते हैं और स्किप होल्ड्स का यूज़ हम कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई आप थर्मल पावर स्टेशन होगा तो उसके पास हम बहुत सारा कन्वेयर बेल्ट्स आप देखेंगे, क्योंकि कोल हैंडलिंग प्लांट्स में बहुत सारा कन्वेयर बेल्ट्स आप देखेंगे, क्योंकि आपका कोल होगा वो ट्रैवल करेगा ऑन द कन्वेयर बेल्ट्स। इस टाइप के बकेट एलिवेटर भी आपने देखे होंगे, उसमें क्या करेंगे हम कि भाई यहाँ पर अगर कोल यहाँ पर है तो ये बकेट्स टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे घूमेगा, तब क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तब उस टाइम यहाँ पर जो कोल है वो इकट्ठा हो जाएगा, और जब वो यहाँ पर आएगा तो वही कोल है वो ये कन्वेयर बेल्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसका डेड स्टोरेज तक अनलोड करते हैं। ठीक है, तो जो भी कोल है वो यहाँ पर आया है उसको डेड स्टोरेज तक पहुँचाने के लिए हम कन्वेयर बेल्ट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनलोडिंग और टू डेड स्टोरेज। एक बार डेड स्टोरेज में उसका अनलोडिंग हो गया, बाद में हम क्या करते हैं, वी हैव टू प्रिपेयर दैट कोल, बिकॉज जो भी कोल हमें माइन से मिला होगा उसको हम डायरेक्टली बॉयलर में फीड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा।
ठीक है, उसको सूटेबल साइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्रशर्स को यूज़ करेंगे, साइजर्स को यूज़ करेंगे, ड्रायर्स, बिकॉज उसमें मॉइस्चर की मात्रा भी ज़्यादा होगी तो उसको हम ड्राई करना पड़ेगा। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये डिफरेंट मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो रॉ मटेरियल है कोल का उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा पल्वराइज्ड कोल में। ठीक है, क्योंकि बॉयलर के लिए वही चाहिए। ओके, क्योंकि उसकी वजह से हम ज़्यादा मात्रा में जो हीट है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो हमारा अल्टीमेटली क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दैट इज़ व्हाई वी हैव टू यूज़ पल्वराइज्ड कोल। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिगर में आपको दिखाया है कि भाई हम कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट डायरेक्टली यूज फॉर फायरिंग इन द बॉयलर, सो वी हैव टू यूज़ दीज काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स टू कन्वर्ट इनटू सूटेबल साइज। एक बार वो सूटेबल साइज में कन्वर्ट हो गया, देन वी हैव टू ट्रांसफर। सो द सूटेबल साइज ऑफ कोल इज नाउ ट्रांसफर यूजिंग कन्वेयर बेल्ट्स अगेन स्क्रिप होस्ट और द फ्लाइट कन्वेयर्स टू द स्टोरेज साइज। फ्रॉम दिस प्लेस इट इज डिस्चार्ज टू फायरिंग इक्विपमेंट एंड द फायरिंग इक्विपमेंट इज नथिंग बट अवर बॉयलर। ठीक है, तो वहाँ से उसको बॉयलर तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो आपने ये सा कन्वेयर बेल्ट देखा होगा कि भाई वो कोल हैंडलिंग प्लांट है, वहाँ से लेके हमारे बॉयलर तक आता होगा, वहाँ पर हमारा कोल है उसको ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, तो ये आपके कन्वेयर बेल्ट है, उसको इस टाइप के कन्वेयर बेल्ट्स को बोलते हैं स्क्रिप्ट होस्ट टाइप ऑफ। ठीक है, ये आपके हो गए फ्लाइट कन्वेयर। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स आर यूज टू ट्रांसफर कोल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड द सिक्स स्टेप इज योर आउटडोर और वी कैन से द डेड स्टोरेज। ठीक है, सो द स्टोरेज ऑफ कॉल इज जनरली कॉल रिक्वायर्ड फॉर अ मंथ एंड इट इज लेड डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो आपने बहुत सारा ऐसा कोल का ढेर देखा होगा तो उसको हम बोलते हैं डेड स्टोरेज। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, उसको आपको फिर से मैंने बोला कि क्रशर से उसको क्रश करना पड़ेगा, बाद में हम उसको यूज कर सकते हैं। तो एक मंथ, ठीक है, दो मंथ उसके लिए हम ऑलरेडी उसको सेव करके रखते हैं तो बाद में हम उसको यूज़ कर सकें। सो उस काइंड ऑफ स्टोरेज को हम बोलते हैं डेड स्टोरेज। द सेकेंड टाइप ऑफ स्टोरेज इज लाइव स्टोरेज और वी कैन से इंडोर स्टोरेज। सो विद द हेल्प ऑफ बंकर्स एंड कोल बीन्स द कोल इज मेड अवेलेबल फॉर डे कंजप्शन। सो डे टू डे कंजप्शन के लिए हम यूज़ करेंगे इंडोर स्टोरेज और फिर लाइव स्टोरेज का। ठीक है, द नेक्स्ट इज इन प्लांट हैंडलिंग एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस टू स्टेप्स एट द टाइम। वन इज इन प्लांट हैंडलिंग, अनदर वन इज कोल वेटिंग। सो इन प्लांट हैंडलिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कोल हैंडलिंग बिटवीन द फाइनल स्टोरेज एंड द फायरिंग इक्विपमेंट। तो जो फाइनल स्टोरेज रहता है हमारा, वहाँ से लेके हमारा जो फायरिंग इक्विपमेंट यानी कि हमारा जो बॉयलर है उसके बीच का जो प्लांट है, वही प्लांट को हम बोलते हैं इन प्लांट हैंडलिंग। ठीक है, और कोल वेटिंग किसे कहते हैं, दिस इज जनरली डन एट अनलोडिंग पॉइंट टू एक्सट्रैक्शन करेक्ट वेट एंड एक्सपेक्टेड क्वालिटी। ठीक है, तो ये आपको फिगर में दिखाया है मैंने, दैट इज अ स्मॉल स्केल कोल वेटिंग प्लांट। ओके, लेकिन जहां पर थर्मल पावर स्टेशन रहता है वहां पर हम हाई स्केल पर उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, क्या करता है ये करेक्ट वेट फाइंड करेगा और उसकी जो एक्सपेक्टेड क्वालिटी है कोल की वो डिफाइन करेगा। उसी कोल को हम यूज़ कर सकते हैं, बाकी के कोल को हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप विल बी फर्नेस फायरिंग। सो द कोल इज कैरीड इन द फर्नेस फॉर द कंबशन एंड देन आफ्टर एश इज फॉर्म्ड आफ्टर बर्निंग द कोल एंड दैट इज डिस्चार्ज एट पर्टिकुलर प्लेस फ्रॉम वेयर इट इज डिस्पोज्ड। तो जो भी एश मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, दो टाइप की एश होती है, वन इज फ्लाई एश एंड द सेकंड वन इज बॉटम एश। तो जो फ्लाई एश रहती है उसको तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम ESP से मदद से उसमें जो एशेस पार्टिकल होते हैं उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी के जो एश है या फिर हम बोल सकते हैं स्टीम है उसको हम हवा में छोड़ देते हैं। ठीक है, दैट विल बी गोइंग टू पॉल्यूट अवर एनवायरमेंट। जो बॉटम एश रहती है उसको कहीं ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, सीमेंट इंडस्ट्रीज है, उसको यूज़ करते हैं, उसको रिसाइकल करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं उसको हम स्टोर करते हैं और उसको सही जगह पर डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा स्टेप 1 से लेकर स्टेप 10 तक कि भाई कोल कहाँ से आता है,
उसको हम कैसे पल्वराइज्ड कॉल उसको हम कन्वर्ट करते हैं और बाद में उसको यूज़ होने के बाद उसका डिस्पोजल कैसे करता है। तो ये पूरा साइकिल हो गया हमारा कॉल हैंडलिंग प्लांट का। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।